हर फिल्म जो मैं करती हूँ इट्स अ रिस्क इन अ डिफरेंट वे एंड भरा पोस्टर इज अ रिस्क ऑफ कोर्स इन अ डिफरेंट एंगल बिकॉज आई थिंक the audience have only seen me in Barfi and Barfi was a different film altogether. It was like it was very it wasn't necessarily a commercial space. It was naach gaana nahi tha. It wasn't a typical loud Bollywood film and I think Phata Poster is probably as commercial as it can get and of course being a Rajkumar Santoshi film it's even more commercial. Expectations bahut high ho gaye inke to it's been challenging. It's been very risky and I don't know, I've taken a chance, so let's hope it pays off. I like Tumere Agal Bagal a lot because it's a very catchy song. I think the way Mika sung it is really nice and it gives a little bit more character and fun to it. And of course, the video was really beautiful. Shahid's come up with this doggy step, which is iconic and it's become like a trend now. Haji. So that was fun. That was lots of fun. And I think it's a very unique, different song, so I think that's one of my favorites. Shahid is... I think Shahid sort of blended into this character very well. Because I think he's the first time he's doing type of character. I mean, he's done so many different sort of films. But in this film, I don't think there's anything that he hasn't done. He's done action, he's done drama, he's done comedy, he's done romance. And he's done comedy on a different level. So it's really funny. It's come out really well. He's done a brilliant job. And I think people will really love it. फिल्म का नाम है फटाफट से निकला हीरो. उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम है विश्वास राव. फिल्म 20 सितंबर को रिलीज़ होगी. विश्वास राव फिल्म के अंदर एक्चुअली सच्चाई में वो एक्टर बनना चाहता है लेकिन उसकी माँ का सपना है कि वो एक ईमानदार इंस्पेक्टर बने. तो इस वजह से फिल्म में बड़ी सारी कन्फ्यूजन हो जाती है और वो जब मुंबई आता है तो वो एक्टर बनने की कोशिश में है लेकिन सब लोग उसको इंस्पेक्टर समझने लगते हैं. तो इज़ एक्चुअली अ फेक कॉप. वो रियल कॉप नहीं है और उसकी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेस यही है कि वो नहीं चाहता कि वो कभी भी किसी लड़ाई या झगड़े में पड़ जाए. और इलियाना का जो कैरेक्टर है हु इज़ कॉल्ड कंप्लेंट काजल इन द फिल्म, जो हमेशा कंप्लेंट लेकर आती है, वो इसको अलग अलग जगहों पे जाके छोड़ देती है गुंडों के सामने और कहती है कि अब तुम इनको हैंडल करो. और उसको ऐसा लगता है कि मुझे फ़ाइट नहीं करनी है क्योंकि अगर उसके चेहरे पे चोट लग गई तो उसकी एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा. तो इस वजह से जो सब कन्फ्यूजन फिल्म के अंदर होता है वो होता है. इट्स अ टिपिकल राजकुमार संतोषी कॉमेडी. एंटरटेनिंग फिल्म है. बहुत सारा कॉमेडी है, काफ़ी सारा एक्शन है, रोमांस है, गाने हैं, मस्ती है, डॉगी भी है, सब है जी. मैं जिस तरह से विश्वास राव कहता है ना कि एक दिन मेरे भी बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, तो मैं भी जब एक्टर नहीं बना था और जब मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे एक्टर बनना है तो मेरे भी ऐसे ही ख्वाब थे कि एक दिन मेरा भी पोस्टर लगेगा, मेरी भी फिल्म रिलीज़ होगी. मुझे याद है मैं होर्डिंग्स के नीचे खड़े रह के देखा करता था कि यार एक दिन मेरा लगेगा पोस्टर, नहीं लगेगा. तो डेफिनेटली मैं भी उन मोमेंट से गुजरा हूँ. मैं भी ऑडिशन देने गया हूँ, मैंने वो सब किया. आप कभी गणपति फेस्टिवल में गए हैं? कभी शादी वूदी में गए हैं? थोड़ा टुन वन हुए? तो उसके बाद जब बॉडी अपने आप करने लगती है ना चीज़ें, जो ऐसा लगता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, तो धतिंग नाच वो होता है कि जब आदमी कोई भी स्टेप नहीं करता और बॉडी टेक ओवर कर लेती है और उल्टे सीधे मूवमेंट्स होते हैं तो उसको बोलते हैं धतिंग नाच. तो हमने उसके ऊपर एक गाना किया है जिसका नाम है 1 2 3 4 5 चल धतिंग नाच. ए प्याज के छिलकों, ज़रा स्टाइल मारा, थोड़ा खुल दिया, इतने में तू रोता है क्या? अभी तो हीरो ने सिर्फ एंट्री मारी है, आगे आगे देख होता है क्या.